हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 गणित का प्रश्न पत्र। दोस्तों, आप इसमें आपको फुल सोल्यूशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपका पेपर कल आने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। ये दोस्तों आपका मॉडल पेपर है, इस प्रकार से आपका कल क्लास 8th मैथ का पेपर आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें आपको पूर्णांक। इसमें आपको यहाँ पर पूर्णांक आपको 20 नंबर का मिलेगा। निर्देश इसमें दिए हुए, पहला निर्देश दिया हुआ सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 79/16, 46/16, 46/4, 79/4। तो इसमें से आपका आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें 59/68, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 59/54, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 103/108, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 103/54। तो इसमें से आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सा नंबर। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, 5/11 का योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें 5/11, 5/11, -11/5, 11/5। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसका 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, -7 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -1/7, -7, -7 और 7। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, -7/15 को 7/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -1/3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 49/75, चौथा ऑप्शन दिया हुआ इसमें 49/75। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में दोस्तों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन माइनस मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीड, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्स बराबर एस की को संतुष्ट करता है, -1, 1, 5 उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर छठे का 10 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ है, -2/5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -2/5/8, -2/5/8, -8/21, 21/8। तो क्वेश्चन नंबर सात में का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ है, बताइए ये किस गुणधर्म की सहायता से आप 2/3 गुणे ब्रैकेट में दिया हुआ है 5/3 × 4/7 का 2/3 × 5/3 × 4/7 के रूप में अभिकलन करते हैं। क्रम, विनिमेय, वितरण, सहचर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ, 1/2 + 5/2 + 5/9 का मान ज्ञात कीजिए। 11/9, 32/18, 32/9, 11/18। तो क्वेश्चन नंबर नौ में का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ, 2/4/11 का योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 26/11, -26/11, -11/26, 11/26। तो क्वेश्चन नंबर दस में का 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, -21/11 को 7/33 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6, -9, -1, -6। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन -3 और -1 के बीच की परिमेय संख्या है, 2 -9/5 -4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या नहीं है, 22/5 23/5 24/5 26/5। क्वेश्चन नंबर 13 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, 2/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ 2/1/2 और 7/10, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/2 और 17/10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 11/2 और 7/10, चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या है, 0, -3/2, 3/2 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, 0 का योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, 1, -1, 0 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 3/10 + 2/5 ब्रैकेट में दिया, फिर इसके बाद इनटू में दिया हुआ 15/7 का मान ज्ञात कीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 199/70, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2/3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3/2। क्वेश्चन नंबर 17 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, 4/5 + 2/5 × 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, 3/4, 4/3, 73/40 और 40/73। क्वेश्चन नंबर 18 का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 4/7 + 6/11 + 7/9 का 4/7 + 6/11 + 7/9 के रूप में अभिकलन करते हैं, क्रम विनिमेय गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, साचर गुणधर्म, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन 1/8 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया 1/5, 1/6, 1/7 और प्रयोग सभी, इसका दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर ये कल आने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।